वेलकम टू साइंस क्लासेस। साइंस क्लासेस पर आपका स्वागत है। क्लास 10th विज्ञान का एक और नया वीडियो शुरू करते हैं आज की क्लास। चैप्टर है सेकंड हमारा अम्ल क्षारक और लवण। ठीक है, तो इस चैप्टर से आज हम एक टॉपिक ले रहे हैं। तो आज हम इसमें डिस्कस करने वाले हैं बहुविकल्पीय प्रश्न यानी कि MCQs। ठीक है ना, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। इसका ये पार्ट वन है। ठीक है, इसका पार्ट सेकेंड भी जो है जल्दी ही आ जाएगा। ठीक है, इस वीडियो को देखने के बाद में एक दो दिन के अंदर जो है वो भी पार्ट इसका अपलोड हो जाएगा। ठीक है ना, तो परीक्षा के अंदर जो है हमसे MCQs पूछे जाते हैं। ठीक है ना, तो उनको हम डिस्कस करते हैं और जहां पर भी उन MCQs को एक्सप्लेन करना होगा तो साथ साथ में हम वो भी समझेंगे। ठीक है ना, तो जैसे देखिए पहला प्रश्न है हमारा, पीएच का सबसे कम निम्नतम मान निम्न में से किसका है। ठीक है, हमारे पास में ये चार ऑप्शन है। ठीक है ना, तो इनमें सबसे कम पीएच मान किसका होगा। ठीक है ना, 1 MHCl का होगा या 0.001 MH2SO4 का होगा या 1 MNaOH का होगा या फिर 0.001 MNaOH का होगा। ठीक है, करेक्ट आंसर है हमारा क यानी 1 MHCl। सबसे कम मान पीएच का जो है वो इसका होगा। क्यों होगा, देखो जब हाइड्रोजन आयनों की सांद्रता बढ़ जाती है तो अम्लीय प्रकृति बढ़ती है। ठीक है, अम्लीय प्रकृति बढ़ती है तो लेकिन पीएच का मान कम होता है, यानी जितना पीएच का मान कम होगा उतना ही वो अम्लीय जो है पदार्थ होगा। तो 1 MHCl का मतलब ये हुआ कि ये सबसे ज्यादा अम्लीय पदार्थ है, इन चारों ऑप्शन में से सबसे ज्यादा अम्लीय पदार्थ है। तो इसका इसकी हाइड्रोजन सांद्रता सबसे अधिक हो जाएगी लेकिन पीएच मान क्या हो जाएगा, सबसे कम हो जाएगा। ठीक है ना, पीएच स्केल जो है वो 0 से लेके 14 तक होती है तो इसका पीएच वैल्यू 0 हो जाएगा। जल का पीएच क्या है। ठीक है, तो जल का पीएच होता है वो होता है 7। ठीक है ना, जल जो होता है वो प्रकृति में उदासीन है। ठीक है, बेसिकली हम यहां पर जिस जल की बात कर रहे हैं वो आसुत जल है, डिस्टिल्ड वाटर जिसको कहते हैं, हम उसकी बात यहाँ पे कर रहे हैं। ठीक है, हमारे घरों में जो जल आता है उसकी प्रकृति उदासीन नहीं हो सकती क्योंकि उसमें कई प्रकार के कुछ केमिकल्स मिलाए जाते हैं या फिर वो जल जिस भी झील में भरा हुआ है वहां के लवण उसमें मिल जाते हैं तो उसकी प्रकृति उदासीन नहीं हो सकती है। ठीक है, आसुत जल जो होता है वो उदासीन होता है और उसका पीएच वैल्यू क्या होता है, 7 होता है। ठीक है, एक अम्ल का पीएच क्या होता है, अम्ल का पीएच मान क्या होगा, कोई भी अम्ल है ना, उसका पीएच मान क्या होगा, उसका पीएच मान होगा 7 से कम होगा। 7 तो उदासीन है, 7 से कम जितना भी जाएगा 6.9 है ना, 6.5, 4, 3, 2, 0 कुछ भी हो। ठीक है, तो वो पीएच मान जो है वो किसका है, अम्ल का होगा 7 से कम। ठीक है, तो पीएच स्केल के आधार पर एक अम्ल का पीएच मान 7 से कम होता है। किसी पदार्थ का पीएच क्या होता है, यानी हम किसी भी पदार्थ का पीएच ज्ञात करना चाहें तो इनमें से किस फॉर्मूले से हम ज्ञात कर सकते हैं, इसका मतलब ये है इस प्रश्न का मतलब। ठीक है, तो वो है माइनस लॉग, ठीक है ना, और बड़े ब्रैकेट के अंदर जो है एच प्लस यानी कि हाइड्रोजन आयनों की मोलर सांद्रता, ब्रैकेट में लिखने का मतलब होता है मोलर सांद्रता, किसकी, हाइड्रोजन आयनों की। ठीक है, एक उदासीन विलयन में पीएच किसके बराबर होता है, यानी अगर कोई भी विलयन उदासीन है तो उसका पीएच कितना होगा, वो होगा 7, कितना होगा 7। ठीक है, एक विलयन की हाइड्रोजन आयनों की सांद्रता है 10^-4। ठीक है, तो हमको क्या दे रखा है, इसने हाइड्रोजन आयनों की सांद्रता हमको दे रखी है तो इसका पीएच वैल्यू कितना होगा, उसका पीएच वैल्यू होगा 4। ठीक है, ये कैसे आया है मान, इसको हम आगे चल करके किसी एक टॉपिक में आपको एक्सप्लेन कर देंगे कि हम किस तरह से ये पीएच मान ज्ञात कर सकते हैं जब हमें हाइड्रोजन आयनों की सांद्रता दी गई हो तो पीएच मान किस प्रकार से ज्ञात किया जा सकता है, वो हम आपको बता देंगे। ठीक है, ताकि क्या होगा, अगर कोई और अन्य मान दिया गया हो 10^-5 हो, 6 हो, 9 हो, 8 हो, जो कुछ भी हो, तो हम कैसे ज्ञात करेंगे पीएच वैल्यू, हम कैसे निकालेंगे। ठीक है ना, वो आपको तरीका बता देंगे। निम्न में उच्चतम पीएच 14, सबसे अधिक पीएच जो है वो 14 होता है क्योंकि पीएच स्केल 0 से लेकर 14 तक होती है, तो वो किसका होगा, ये हमारे पास में चार ऑप्शन है, 1 MHCl होगा, 0.5 MH2SO4 होगा या 0.005 MHCl होगा या फिर 1 MNaOH होगा।
करेक्ट आंसर इज 1MnOH यानी सोडियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है, हाइड्रोक्सिल आयनों की सांद्रता 1MnOH में सबसे अधिकतम होती है। ठीक है ना, हाइड्रोक्सिल आयन यानी OH आयन जो होते हैं वो सबसे ज्यादा किसमें होते हैं, 1M सोडियम हाइड्रोक्साइड में होते हैं, इसलिए इसका मान पीएच मान जो है वो सबसे ज्यादा या उच्चतम होता है। ठीक है ना, एक क्षारक का पीएच क्या होता है, यानी कोई भी एक क्षारक है, बेस है, ठीक है, क्षारीय विलयन, उसका पीएच क्या होगा, उसका पीएच होगा ये, ठीक है ना, 7 से ज्यादा मान, ठीक है ना, 7 से क्या होगा, ज्यादा मान होगा, 7 के ऊपर जितना भी मान जाएगा वो सब क्षारीय प्रकृति में आ जाएगा। ठीक है ना, अब देखो यहां पर एक क्वेश्चन है, एक विलयन का पीओएच 9 है तो इसका पीएच क्या होगा, आपको पीओएच दे रखा है, ठीक है ना, तो इसका पीएच मान निकालना है, वो होगा पीएच मान इसका क्या, 5। ठीक है ना, तो इसको निकालने की विधि है, वो विधि हम यहां पर डिस्कस नहीं कर रहे हैं, आपको एक सेपरेट वीडियो में बता दी जाएगी। ठीक है, एक क्षारीय विलयन में फिनोफ्थलीन का रंग क्या होता है, फिनोफ्थलीन जो है वो एक इंडिकेटर है, सूचक है। ठीक है, अगर फिनोफ्थलीन को किसी क्षारीय विलयन में डाला जाए तो उसका रंग क्या होगा, उसका रंग क्या हो जाएगा, ये गुलाबी हो जाएगा। ठीक है, वो क्या हो जाएगा, गुलाबी हो जाएगा। ठीक है ना, अच्छा, अम्ल वे होते हैं जो जलीय विलयन में हाइड्रोजन आयन मुक्त करते हैं, या जो क्षारक को उदासीन कर देते हैं, जो अधिकतर धातुओं के साथ हाइड्रोजन गैस का उत्पादन करते हैं, या फिर ये सभी। ठीक है ना, या तो इनमें से कोई एक है वो अम्ल है, या फिर ये जो सारे बातें बताई गई हैं आपको, ठीक है, ये सारे गुण जो है अम्ल में होते हैं, हाँ जी होते हैं, उपयुक्त सभी। ठीक है ना, ये सारी चीजें यानी अम्ल जो होते हैं वो जल में हाइड्रोजन आयन मुक्त करते हैं, किसी क्षारक से क्रिया करके उस क्षारक को उदासीन कर देते हैं, और धातु से अगर क्रिया करेगा तो वो हाइड्रोजन गैस मुक्त करते हैं, ये अम्ल के गुण हैं। अगर आपसे अम्ल के गुण पूछे तो ये तीनों हम लिख सकते हैं। अब देखिए, दुर्बल अम्ल निम्न में से कौन सा है, ठीक है, एसिटिक अम्ल, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है, नाइट्रिक अम्ल है, या सल्फ्यूरिक अम्ल है। ऑप्शन सही है एसिटिक अम्ल, ये एक दुर्बल अम्ल है। अब दुर्बल अम्ल क्यों है, देखिए एसिटिक अम्ल विलयन में कम हाइड्रोजन आयनों का उत्पादन करता है, यानी कि जब आप एसिटिक अम्ल को जल में मिलाओगे तो हाइड्रोजन आयन जो होते हैं वो मुक्त होंगे, लेकिन वो बहुत कम मात्रा में होंगे। ठीक है ना, इसीलिए ये एक दुर्बल अम्ल है। बाकी हाइड्रोक्लोरिक अम्ल हुआ या सल्फ्यूरिक अम्ल हुआ, ये सब क्या है, ये सब ज्यादा मात्रा में हाइड्रोजन आयन मुक्त करते हैं जल में, इसलिए ये प्रबल अम्ल कहलाते हैं। ठीक है, अब देखिए उभय प्रोटिक अम्ल कौन सा है, ठीक है, एसिटिक अम्ल, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, नाइट्रिक अम्ल, या फिर सल्फ्यूरिक अम्ल। उभय प्रोटिक अम्ल इनमें से है, सल्फ्यूरिक अम्ल को हम उभय प्रोटिक अम्ल कहते हैं। अब ये उभय प्रोटिक होता क्या है, देखो वे रासायनिक पदार्थ जिनमें प्रोटोन देने या फिर प्रोटोन लेने दोनों की प्रवृत्ति होती है, यानी वो प्रोटोन ले भी सकते हैं और वो प्रोटोन दे भी सकते हैं। ठीक है ना, ऐसे गुण जिनमें है, ऐसी प्रवृत्ति जिनमें है, वे पदार्थ उभय प्रोटिक होते हैं, तो सल्फ्यूरिक अम्ल जो है इस हिसाब से उभय प्रोटिक अम्ल है। अचार में सिरका किस रूप में कार्य करता है, यानी अचार के अंदर हम मिलाते हैं सिरका, ठीक है, सिरका उसमें मिलाया जाता है, तो वो किस रूप में कार्य करता है, क्या सिरका ऑक्सीडेंट के रूप में कार्य करता है, या कीटाणुनाशक के रूप में कार्य करता है, या परिरक्षक के रूप में कार्य करता है, या फिर ये सारे कार्य करता है। सही ऑप्शन है परिरक्षक के रूप में, एक प्रिजर्वेटिव के रूप में। ठीक है ना, तो अचार में सिरका डालते हैं तो अचार क्या होता है, लंबे समय तक रखने पर खराब नहीं होता है। तो जितने भी मार्केट से आप अचार लेकर आते हैं पैकिंग वाले, उनमें सिरका पाया जाता है, इसलिए वो बहुत ज्यादा खट्टे होते हैं। ठीक है, सिरका में कौन सा अम्ल होता है, अब देखिए जो सिरका है उसमें अम्ल कौन सा होता है, एसिटिक अम्ल होता है, लैक्टिक अम्ल होता है, साइट्रिक अम्ल होता है, या फिर टार्ट्रिक अम्ल होता है। सिरका में होता है एसिटिक एसिड, एसिटिक अम्ल इसमें पाया जाता है। नींबू के रस में कौन सा अम्ल होता है, नींबू के रस में कौन सा अम्ल पाया जाता है, वो पाया जाता है साइट्रिक एसिड या साइट्रिक अम्ल। ठीक है, बहुत सिंपल क्वेश्चन है।
दही में कौन सा अम्ल होता है? दही में होता है लैक्टिक एसिड या लैक्टिक अम्ल, ठीक है ना। जब जिंक के दानों को तनु सल्फ्यूरिक अम्ल में मिलाया जाता है तो कौन सी गैस निकलती है, यानी जो जस्ता होता है, जिंक होता है, उसको हम डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड में, तनु सल्फ्यूरिक अम्ल में मिलाएंगे तो कौन सी गैस निकलेगी? उसमें मुक्त होगी हाइड्रोजन गैस, ठीक है ना। देखो, जब धातु एक अम्ल के साथ अभिक्रिया करती है, कोई भी धातु होती है, तो जिंक यहाँ पर क्या है? धातु है। अम्ल क्या है? सल्फ्यूरिक एसिड है। तो हाइड्रोजन गैस निकलती है, ये इसका रासायनिक समीकरण है, ये रासायनिक समीकरण इसका है, ठीक है, इंपॉर्टेंट समीकरण है, याद कर लें इसको। पीएच और पीओएच का योग क्या है? ये मान दिए गए हैं 7, 10, 9, 14, तो ये मान है 14। जो पीएच स्केल होती है ना, वो 0 से लेके 14 तक होती है, तो पीएच और पीओएच का योग 14 है, ठीक है। एक उदासीन लिटमस विलयन का रंग क्या होता है? यानी एक लिटमस विलयन है, अभी वो उदासीन है, यानी हमने ना तो उसको अम्ल में मिलाया है ना उसको क्षार में मिलाया है, ठीक है। तो उसका नेचुरल जो कलर होता है वो क्या होता है? वो होता है बैंगनी, पर्पल कलर होता है, ठीक है ना, पर्पल कलर होता है। इमली में कौन सा अम्ल पाया जाता है? एसिटिक अम्ल, लैक्टिक अम्ल, साइट्रिक अम्ल या टार्टरिक अम्ल? इसमें होता है टार्टरिक अम्ल, इमली में होता है टार्टरिक अम्ल, टार्टरिक एसिड, ठीक है। अम्लीय विलयन में लिटमस का रंग क्या होता है? यानी कि जो अम्लीय विलयन है उसमें आपने लिटमस को मिलाया, लिटमस का रंग वैसे क्या होता है? बैंगनी होता है। जब आपने उसको अम्ल में मिला दिया या अम्लीय विलयन में मिला दिया तो उसका रंग क्या हो जाएगा? उसका रंग हो जाएगा लाल, बैंगनी से वो क्या हो जाएगा? लाल हो जाएगा, ठीक है। एक क्षारीय विलयन में लिटमस का रंग क्या होता है? लिटमस का रंग क्या होता है? बैंगनी होता है, लेकिन क्षारीय विलयन में मिलाओगे तो क्या हो जाएगा? नीला हो जाएगा, ठीक है। एक क्षारीय विलयन में मिथाइल ऑरेंज का रंग क्या होता है? मिथाइल ऑरेंज जो होता है वो भी एक प्रकार से सूचक है, जैसे लिटमस होता है, फिनोफ्थलीन होता है, वैसे भी सूचक है। तो जब इसको क्षारीय विलयन में मिलाओगे तो उसका रंग क्या होगा? पीला। क्या हो जाएगा? पीला हो जाएगा, वो ऑरेंज से पीला हो जाएगा। जब धावन सोडा यानी वॉशिंग सोडा को तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के साथ मिलाया जाता है या उसकी अभिक्रिया होती है तो कौन सी गैस उत्पादित होती है, कौन सी गैस निकलती है? गैस निकलती है कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है। ये इसका रासायनिक समीकरण है, ये है हमारा वॉशिंग सोडा, ये HCl हो गया, अम्ल हो गया, लवण बना, जल बना, और कौन सी गैस निकली? कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकली, ठीक है ना। तो इस प्रकार से ये कुछ महत्वपूर्ण MCQ हैं जो आपके परीक्षा के लिए उपयोगी हैं, आप इनको जरूर जरूर याद कर लें, अच्छे से कॉपी में नोट डाउन कर लें, वीडियो को देखते जाएं और कॉपी में लिखते जाएं, ठीक है ना। चैनल पर आप जाइए, यहाँ पर आपको अलग अलग प्लेलिस्ट आपको मिल जाएगी 10th क्लास साइंस से रिलेटेड, ठीक है ना। तो जो भी आपको पढ़नी हो वो आप जाकर के जो है अपने समय अनुसार उसको देख सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, जिससे कि आपको जैसे ही कोई वीडियो अपलोड होता है तो आपको उसका नोटिफिकेशन मिल जाता है। लाइक जरूर कर दीजिए, अगर कोई प्रश्न हो तो आप कमेंट जरूर जरूर कीजिए, उसका आंसर आपको जरूर जरूर दिया जाएगा। और अपने फ्रेंड्स के साथ में शेयर कीजिए। साई क्लासेस बाय नवीन सक्सेना एंड हिमिका सक्सेना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।